वट पूजा क्या है, वट पूजा में क्या होता है। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि हम लोग तो भारतीय हैं और यह परंपरा हमारे भारत में चलते आ रही है, ये बहुत ही पहले से आदिकाल से चलते आ रही है। ये हमारी महिलाएं वर की पूजा आदिकाल से करते आ रही हैं। थोड़ा सा हम इसका धार्मिक पक्ष तो है ही, ये महिलाएं धार्मिक दृष्टिकोण से पूजा करती हैं। हमारी महिलाओं को ये लगता है कि चलिए ये पुण्य का काम होगा, ये धर्म कर्म हमारा है, ये वर का पूजा। वट पूजा में क्या होता है, ये वट पूजा में क्या होता है कि वर के पेड़ की पूजा होती है। हमारी भारतीय महिलाएं वो धागा से उसको चारों तरफ घूम करके घूम घूम कर धागा से वो बांधती है पेड़ को और उस पेड़ में पूजा करती है, उस पेड़ में जल अर्पित करती है। ये होता है, इस तरह से वो वर की पूजा होती है। यह पूजा कब होती है, यह पूजा ठीक बरसात के आने से पहले होती है। तो इसका तो ये तो धार्मिक पक्ष है कि चलिए धार्मिक दृष्टिकोण से महिलाएं सोचती है कि चलो इसमें हम, ये तो वर पूजा है, हमारा वर जो है हमारे पति के लिए हम पूजा करते हैं, पति हमारे सुखी होंगे, पति हमारे स्वस्थ होंगे, इससे पूजा करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसका हम वैज्ञानिक पक्ष क्या है इस पर थोड़ा सा हम बात करें आपसे। तो आज हमारे देश में जो हमारे परंपराएं हैं, जो भारतीय परंपराएं जो चलती आ रही है आदिकाल से, उसको कुछ लोग वो कहते हैं अंधविश्वास है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि हमारे देश में कुछ लोग ज़्यादा पढ़ लिखे हैं, वो ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं और ज़्यादा पढ़ लिख करके वे कुतर्क शास्त्र के कलयुगिया विद्वान बन गए हैं। और वही कुतर्क शास्त्र के कलयुगिया विद्वान जो हैं वो भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा पर वो सवाल खड़ा करते रहेंगे, मजाक उड़ाते रहेंगे उसका, वो भारतीय होते हुए मजाक उड़ाएंगे उसका। ऐसा कहीं देश में नहीं होता है, ऐसा आप देखेंगे किसी भी देश की संस्कृति में ऐसा नहीं है। आप कोई भी देश को देखते हो कि वहाँ के किसी भी देश के निवासी वो अपने देश का मजाक नहीं उड़ाते हैं, अपने भारत अपने संस्कृति का, अपने परंपरा का मजाक नहीं उड़ाते हैं। लेकिन इस धरती पर भारतीय एक ऐसा देश है जहाँ के लोग जो है वो अपनी परंपरा पर, अपने संस्कृति पर वो मजाक उड़ाते हैं। लेकिन यही हमारी संस्कृति को मान रहे हैं, पूरी दुनिया मान रही है इसको, और पूरी दुनिया इस पर रिसर्च कर रही है, इस पर खोज कर रही है। तो चलिए इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम आते हैं कि इसका वैज्ञानिक पक्ष क्या है। देखा जाए, ये अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचा जाए तो आकाश में कितना ही बादल क्यों नहीं हो, आकाश में कितना ही बादल क्यों ना हो, जब तक ह्यूमिडिटी मैक्सिमम नहीं होगा, जब तक ह्यूमिडिटी बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट पर नहीं होगा, तब तक वर्षा नहीं हो सकती है, चाहे कितना ही आकाश में बादल क्यों ना हो। तो चलिए इसका मतलब है कि वर्षा के लिए आकाश में ह्यूमिडिटी जरूरी है, आर्द्रता बहुत ही आवश्यक है। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी आर्द्रता को कहते हैं, नमी वही हो गया, बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, जब महिलाएं ठीक निश्चित दिन को और ठीक बरसात के पहले, सोचिए कि यह पूजा बरसात के पहले ठीक होता है, इसका नाम बरसाती पूजा भी है। आखिर ऐसा क्यों रखा गया नाम इसका, इसका नाम बरसाती पूजा क्यों रखा गया, ठीक बरसात के पहले ही इसकी पूजा क्यों की जाती है। तो ये महिलाएं एक साथ जहाँ जहाँ भी आसपास में, जहाँ जहाँ भी भारत देश में, जहाँ जहाँ भी वर का पेड़ है, वहाँ पर उस पेड़ में एक साथ पानी देती है। अब उस पेड़ के जड़ में पानी देने से होता है क्या, वह पानी पूरे पूरे पेड़ में पहुँच जाता है, जानते हैं, तो विज्ञान है, या जो हम बोल रहे हैं भी विज्ञान है। हमारे हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा बिल्कुल वैज्ञानिक है, इसमें कहीं कोई अंधविश्वास का कहीं कोई जगह नहीं है कहीं पर। तो पानी उसका पूरे पेड़ में पहुँच जाता है, पत्तों तक पहुँच जाता है, आप जानते हैं। अब वर का पेड़ ही क्यों चुना गया है, इसके लिए पीपल का पेड़ तो चुना जा सकता था बरसाती पूजा के लिए, अन्य पेड़ भी चुना जा सकता था, लेकिन वर का पेड़ इसलिए चुना गया कि वर का जो पत्ता आप देखते हैं उसका पत्ता मोटा होता है, उसमें जल अधिक संचय होता है। जब जल अधिक संचय होगा तो उस पत्ता से जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी, जो इवेपोरेशन होगा, वह क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसमें ज़्यादा जल निकलेगा उसमें। अब उन पत्तों से जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है, वह वाष्प कहाँ जाता है, वह आकाश में जाता है, और आकाश में जाने के बाद में ह्यूमिडिटी को बढ़ा देता है, और जब ह्यूमिडिटी बढ़ा देता है तो उसके बाद बादल तो बनता है, बादल तो बना हुआ रहता है पहले से, और ह्यूमिडिटी मिल जाने से क्या होता है, ह्यूमिडिटी मिलने से क्या होता है कि वह बादल वर्षा बन के बरसात करना शुरू कर देता है। यह इसका वैज्ञानिक पक्ष है। तो इसमें कहीं आपको लग रहा है कि कोई अंधविश्वास यहाँ पर है, यहाँ पर कोई अंधविश्वास नहीं है।
आपको चिंतन करने की आवश्यकता है, आपको आपका जो माइंड का जो थिंकिंग सेल है जब तक उसको डेवलप नहीं कीजिएगा तब तक ये सब बातें समझ में नहीं आएगी। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसमें विज्ञान है, बिल्कुल साइंस है, लेकिन हमको लग रहा है कि वो अंधविश्वास है, लेकिन वो अंधविश्वास नहीं है। आपको अंधविश्वास इसलिए लग रहा है कि आपका जो थिंकिंग सेल है वो अनडेवलप्ड है, वो बिल्कुल बंद है आपका। आपका जो दिमाग का जो सोचने का जो सेल है, सोचने का जो आपका दरवाज़ा है वो बिल्कुल बंद है, इससे आपको लगता है कि अंधविश्वास है। तो चलिए, आप समझ गए होंगे कि बरसाती पूजा क्यों है। तो बरसात आ भी रहा है, अब बरसाती पूजा होगा भी, और हम इस आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। तो चलिए, आज बहुत अच्छी बात है कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौका पर हमने बरसाती पूजा की चर्चा की, और इस पर्यावरण दिवस पर मैं सभी पूरे विश्व को, क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो मैं पूरे विश्व के सभी लोगों को, सभी जनों को मैं इसकी शुभकामनाएँ देता हूँ कि आप पर्यावरण को बचा कर रखें, क्योंकि जब पर्यावरण है तो हम बचेंगे। लोग कहते हैं कि पृथ्वी पर्यावरण को बचाएगा तो पृथ्वी बचेगी, है ना। पृथ्वी तो सब दिन रहेगी, पृथ्वी थोड़ी कुछ होगी, पृथ्वी तो सब दिन रहेगी। अस्तित्व का खतरा जो है तो जीव जंतुओं पर है, हम लोगों पर है। तो इसलिए चलिए, पर्यावरण को हमको बचा करके रखना है, और बरसाती पूजा में विश्व के सभी महिलाओं को, मैं सभी महिलाओं से कहना चाहूँगा कि आप सभी बरसाती पूजा करें, और उस दिन सभी महिलाएँ, विश्व की सभी महिलाएँ एक वर का पेड़ में उसके जड़ में पानी दे कर करके आपको पेड़ को भी बचाते हैं, और उससे क्या होता है कि पर्यावरण में, आकाश में जो उससे नमी पैदा होगा उससे बरसात होगा उससे। चलिए, धन्यवाद।